हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नगीना में। आज हम बनाने वाले हैं मलाई पूरी। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। 1 कप मैदा, 1 कप दूध, 2 चुटकी केसर, आधा चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच केवड़ा, आधा कप क्रीम, कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते, 2 कप चीनी और तलने के लिए तेल, चाशनी बनाने के लिए पानी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले एक बाउल लेंगे, उसमें मैदा डालेंगे। अब मैदे में दूध डालेंगे, उसके बाद क्रीम डालेंगे। ज़रूरत के हिसाब से क्रीम और दूध डालेंगे। इसका अच्छी तरह से एक घोल बना लेना। धीरे धीरे दोनों चीज़ को मिक्स करते हुए घोलें, इस तरह का गाढ़ा घोल बना लेंगे। अब इसके बाद चाशनी तैयार कर लेते हैं। मलाई और दूध ज़रूरत के हिसाब से ही डालें ताकि इस तरह का घोल तैयार हो जाए। अब एक पैन लेंगे, उसमें चीनी डालेंगे, फिर पानी डालेंगे और एक तार की चाशनी बना लेंगे। धीरे धीरे इसको हिलाते रहेंगे। अब हमारा चाशनी बनकर तैयार हो गया है। अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब चाशनी में सौंफ पाउडर डाल देंगे और ये केसर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा केवड़ा डाल देंगे। अब इसको एक साइड कर देते हैं और पूरी को तल लेते हैं। अब एक पैन लेंगे, अब इसको गर्म होने देते हैं। अब इसमें तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देते हैं। तेल को एक बार चेक कर लेते हैं गरम हुआ या नहीं। तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसे 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। इसे दोनों तरफ से पलट के तल लेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से सारी पूरियां तल लेंगे। अब हमारी सारी पूरियाँ बनकर तैयार हो गई है। अब इसे सर्व करेंगे। अब इस पर से चाशनी डालेंगे। उसके बाद बादाम डालेंगे, पिस्ते डालेंगे। अब क्रीम डालेंगे। आप इस पर मलाई भी डाल सकते हैं। अब हमारा मलाई पूरी बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।